Today we will start chapter 19. Chapter name is coordinate geometry. From ML Aggarwal. For class 9th क्लास के लिए बच्चे। अब इसमें सबसे पहले बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहला आता है बच्चे जो ग्राफ पेपर है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। और क्या बोलते हैं उसको, पता है किसी को? अंकित, डू यू नो anyone else? Cartesian plane, it is also called Cartesian plane. Okay, understood? अब कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होगा? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बच्चे दो एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। जहां पे दोनों कट करती हैं लाइंस दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, डिनोटेड बाय ओ। 1 सेंटीमीटर पे बच्चे ग्राफ पे लाइंस होती हैं डार्क। मैं यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ बना रहा हूं। ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यूज, दैट इज इस साइड बच्चे नेगेटिव वैल्यूज, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज एंड नीचे नेगेटिव वैल्यूज। अब arrow x dash means negative side, x means positive side, y means positive side of y axis and this is negative side of y axis. अब बच्चे what is the other name of x axis? Yes Ankit, what is the other name of x axis? Sir abscissa. Sir ordinate. No, ध्यान से क्वेश्चन रीड कर अंकित, क्या लिखा है बच्चे मैंने? दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, नॉट द एक्स एक्सिस। नेम ऑफ एक्स एक्सिस पूछा है बच्चे मैंने, एक्स एक्सिस का नेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यस सर। ओके, डिफरेंस है एक्स की वैल्यू और एक्स एक्सिस में। Other name of x-axis is horizontal axis. Second, other name of y-axis बच्चे is called vertical axis. क्या बोलते हैं उसको? Vertical axis बोलते हैं। Good morning. मतलब good morning. This axis is called x-axis and this axis is called y-axis. इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। अदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड अदर नेम ऑफ वाई एक्सिस इज वर्टिकल एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट जो इसके अंदर होगा, कार्टेशियन प्लेन के अंदर होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई की फॉर्म में होंगे। ऑलवेज एक्स कम्स फर्स्ट एंड वाई कम्स लेटर। जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अब देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, x coordinate. What is the other name of x coordinate? This is called abscissa. इसको बच्चे abscissa बोलते हैं। x axis और x coordinate में बहुत difference है। समझ गए बच्चे? x axis horizontal axis होती है और जो value of x है उसको abscissa बोलते हैं। जो value of y coordinate है वाई कोऑर्डिनेट बोल देते हैं या उसको ऑर्डिनेट, ओ से कोऑर्डिनेट्स नहीं ऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड ज्वाइंट ऑफ एक्स एंड वाई आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, उनको क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। अंडरस्टूड, दैट आर कॉल्ड, कोई ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं ना। हाँ जी सर, कोऑर्डिनेट कोई ऑर्डर्ड पेयर बोलता है। ऑर्डर्ड पेयर, यस सर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर ऑर्डर्ड, हाँ बच्चे ऑर्डर में होता है ना, हमेशा एक्स पहले आता है वाई सेकंड नंबर पे आता है। गुड मॉर्निंग जोया जी। गुड मॉर्निंग सर। तू बिना बताए चली जाती है छोड़ के क्लास। मेरे को जाना पड़ा था। फिर बोल भी सकती थी ना सर मैं जाऊं। सर अब अचानक ही मम्मा का फोन आया कि भाई आ जाओ। अच्छा, मम्मा नहीं पढ़ने देती तेरे को है ना। जैसे से कल जनाई तो बोलती कि मामा का फोन आ रहा है तेरी कि जाना तुमने, तो तू इतना स्लो क्यों बोल रही है? ये सब इतना स्लो क्यों बोल रही है? तो कहाँ स्लो बोल रही है? अच्छा हाँ अब ठीक है ना, हाँ अब जोश आ गया ना। कि सो रहे हैं सारे, सो रहे हैं, उठा दे फिर उच्ची सारी बोल के। सर एक ही तो संडे होता है। अच्छा एक ही संडे होता है सर, में एक ही दिन आता है। ओके सर हम ये क्या करेंगे? ये बच्चे एमएल अग्रवाल में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहा हूं बच्चे मैं। सर वो पीडीएफ आपने भेजी है ग्रुप में या नहीं? अभी चैप्टर की भेजी है, तूने देखी नहीं? एक मिनट सर मैं अभी देखती हूं, अभी भेजी थी बस। मिल गई? चलो बच्चे, x coordinate is called abscissa, y coordinate is called ordinate, दोनों का combined is called और coordinates, ordered coordinate या coordinates कह लो अकेला। अब कोई भी पॉइंट बच्चे यहाँ पे है, सपोज कोई पॉइंट यहाँ पे है, any other point is at here, मैं ज्वाइन इसलिए किया है कि तुम्हें ये पता लग जाए कि कौन से पॉइंट हैं उसके, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं बच्चे, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। अब सुखजिंदर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बच्चे? सर 3 and 3। देखो इस पॉइंट पे नीचे परपेंडिकुलर है जो एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे मीट कर रहा है? 3 पे। तो yes, पहला एक्स कोऑर्डिनेट 3, y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है कहां पे मीट कर रहा है? 3 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 3 हो गए। धैर्या यस सर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चे? सर 2 and 1। 2 and 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अंकित? सर 4, -2। 4 and -2। x की वैल्यू 4 देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर देख लो कहाँ पे गिर रहा है, x एक्सिस पे, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, और y एक्सिस पे कहाँ पे गिर रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। अन्वेषा कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? सो -4 and -3। -4 and -3। कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट दिवांशु? मेरा सिर, तेरे से क्या पूछा है? coordinate of this point? -5, 2. -5, 2. सो रहा था दिवांशु? सर पानी पी रहा था। गुड मॉर्निंग कैथरीन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चे सर -2, 3. वेरी गुड। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अभी चलो मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं। ये पॉइंट ले लिया। मनमोहित कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बच्चे सर -3 and 1. -3 and 0. मतलब अभी एक पॉइंट और ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बच्चे y की वैल्यू 0 होगी एंड ऑन y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x इज 0। x एक्सिस पे y 0 होगा, y एक्सिस पे x 0 होगा। x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं इप्सिता किस फॉर्म में होंगे सर? x, 0 की फॉर्म में होंगे। एंड ऑन y एक्सिस जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे सर? y, 0, 0, y इस फॉर्म में होंगे बच्चे। अब कोई पॉइंट यहाँ पे है, दिस पॉइंट। एक मिनट जोया, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बच्चे। यस सर -4। सर 4, -4। आई शाबाश। सर 4, -3। 4, -3 ये पॉइंट। सर 4, -4 ये कौन सी एक्सिस है? सर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 है और कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे जोया? यस सर। वाई एक्सिस पे बच्चे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में हैं? 0, y। तो ये वाई एक्सिस है ना। यस सर -4 और y सर 0 और -4। जोया थोड़ा सा बच्चे एक्साइटेड ना होया कर, देख के बोला कर के पढ़ना नहीं है। जोया मार्क्स जितने लेने थे बस ले लिए, बहुत हैं। नहीं सर। तो लेने अभी लेने तो तेरे हाल तो है नहीं बच्चे लेने वाले। ये क्या था जोया? ये क्या था? कॉल आई थी किसी की? जोया बच्चे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। जोया आर यू देयर? नहीं बोलना। ऑन एक्स एक्सिस y, 0 बच्चे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? x, 0। y एक्सिस पे x, 0 मतलब किस फॉर्म में होंगे? 0, y की फॉर्म। इसके बाद बच्चे आता है टोटल बोथ द दोनों एक्सिस, बोथ द एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन को बोथ द एक्सिस डिवाइड द प्लेन in 4 parts। हरगुन पता है बच्चे that parts are called, पता है क्या बोलते हैं उसको? No sir। जोया पता है? No sir। So both the axes divide the plane in 4 parts. That parts are called क्वाड्रेंट्स। देखो ये वाला पार्ट, ये तीसरा, ये फोर्थ वन, ये This quadrant is called first quadrant always. This quadrant is called second quadrant. This quadrant is called third quadrant. मतलब ये वाला पार्ट, ये नहीं है बॉक्स वाला, नहीं, ये सारा, कोई भी पॉइंट यहाँ पे होगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, क्वाड्रेंट में होगा. दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सुखजिंदर कैसे पता चलेगा कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? जो मार्क किएंगे उसकी वैल्यू निकाल के. नहीं बच्चे, ओनली साइंस, दोनों के दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये प्लस प्लस, सिर्फ साइन देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. यहाँ पे बच्चे देखो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सिर्फ साइन देख के. जोया, आर यू लिसनिंग? यस सर. थोड़ा सा ध्यान से बच्चे, ठीक है, ये ना हो कि मार्क्स कट जाए हमारे और फिर बाद में मेरे को गालियां निकालो कि हाँ रोहित सर ने कुछ करवाया नहीं है. समझे? यस सर. मोटो 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 बस. यस, इस साइड में बच्चे देखो, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों के साइन माइनस माइनस होंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में. अब हमारे पास बच्चे दो चीजें हैं, एक तो एक्सिस कोई भी पॉइंट कहां लाई करेगा? नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे तक कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे पास? फोर, चलो फिफ्थ. एवरी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन either lie on a quadrant पे लाई करेगा और लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. मतलब एक्सिस पे लाई करेगा, एक्सिस मींस एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस या फिर किस में लाई करेगा? क्वाड्रेंट में लाई करेगा. एवरी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन इधर लाई ऑन ए क्वाड्रेंट और लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. दिस पॉइंट ये याद रखना बच्चे, कोई भी पॉइंट है जो कार्टेशियन प्लेन पे, वो किस पे लाई करेगा? या तो क्वाड्रेंट में लाई करेगा या एक्सिस पे. एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों में से किसी एक पे लाई करेगा. अंडरस्टूड? समझ गए बच्चे? यस सर. यस सर. अब वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने तेरे को बेसिक सारे बता दिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 19.1, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, मतलब जो जिसपे फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है. इट्स सो इजी एक्सरसाइज. आई थिंक पीडीएफ तो मैंने अभी भेजी थी क्लास से पहले. अब मैं जैसे जैसे थोड़ा सा ध्यान से, जिन्होंने बच्चे नहीं भी खोल सकते ना पीडीएफ, एक ही डिवाइस है जिनके पास, तो प्लीज यहाँ मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया करो. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स हुज अब्सिस्सा इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज -4. अब्सिस्सा इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज -4. यस कैथरीन. अब्सिस्सा, अब्सिस्सा बटे 3 गिवन है एंड ऑर्डिनेट हमें -4 गिवन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सिंपल है सर, x 3 y माइनस 4, बस ऐसे ब्रैकेट में डाल देना। कोऑर्डिनेट्स आर 3, -4। ओके, यस, समझ गए। सेकंड, अन्वेषा अब्सिस्सा -3/2, जो मैं लिख देता हूं, एंड ऑर्डिनेट इज 5। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है अन्वेषा? ओके सर। नींद आ रही है? नो सर। है? मुझे तो लग रहा है। नो सर। अब सीसा की जो वैल्यू है बच्चे, दैट इज गिवन -1/2/3। सुखजिंदर, मिक्स फ्रैक्शन ओपन कर क्या आएगा? तो 5/3 नहीं, 5/3 तो नहीं आएगा सर, 5/3 आएगा। नहीं यार, नहीं, एक मिनट सुखजिंदर, माइनस, भूख लगी थी, माइनस साइन खा गया तू? सर नहीं सर, माइनस ही था। यस सर। सर दिख नहीं रहा सर, क्लियर नहीं था। अच्छा, ऐसे ना करो यार, तू ड्रा ना, दिख नहीं रहा सही। नेट स्लो है क्या बेटा? तेरा नेट क्यों स्लो है? तेरी आवाज सही आ रही है ना? आवाज कटती है सबसे पहले। अब सीसा बच्चे -5/3 आ गया, एंड ऑर्डिनेट कितना दिया है? धैर्या -2/4 है बच्चे। ओपन द मिक्स फ्रैक्शन, -2/4 -9/4 -9/4। Yes, this and this, this is the ordinate। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चे? धैर्या सर, -5/3 -9/4। Yes, very good। सारी ऐसी हैं बच्चे, ऑर्डिनेट, अब्सिस्सा, फिफ्थ पार्ट इसका। मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूं। ठोस अब्सिस्सा इज -2 एंड lies on x-axis। जोया, कोऑर्डिनेट बताओ बच्चे। Whose abscissa is -2 and lies on x-axis? जोया, आवाज नहीं आ रही बच्चे। Yes sir। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एक पॉइंट के। Whose abscissa is -2 and lies on x-axis? x-axis पे जोया किसकी वैल्यू 0 होती है बेटा? तो x-axis पे, हाँ, x-axis पे सर, x-axis पे हमारी 0 की होती है, y की वैल्यू, जो सेकंड वाली होती है वो, हाँ, सेकंड वाला y है। सही थी बच्चे, 0 होता है। यस, मतलब उल्टा होता है, रेसिप्रोकल कन्वर्स होता है। x-axis पे y 0 होता है, y-axis पे x 0 होता है। तो अब्सिस्सा का मीनिंग, अब्सिस्सा मींस किसकी वैल्यू? तो ऑर्डिनेट की वैल्यू। मैं चांटा मारूंगा खींच के। अब्सिस्सा मींस क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। यस, x कोऑर्डिनेट कितना? -2 एंड y की वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। यस सर। ठीक है? यस सर। तो जो आंसर, हां जी, इतना ही है। और अच्छा सर, सिक्स्थ पार्ट इसका बच्चे, ध्यान रखा कर थोड़ा सा। तेरे को मेरी अपनी तेरी स्पेशल क्लास लगानी पड़ेगी मुझे। तो मैथ करना छोड़ दिया तूने, है ना? छोड़ा हुआ है बच्चे, मान लिया कर, झूठ मत बोल। तो आई स्वेयर सर, ये चैप्टर न्यू है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्यों? उसमें भी तो किया है सेलिना में से, तो उसमें क्या भी नहीं था ना। क्यों नहीं था, सारा कुछ ही था। फिर अब मैं पढ़ूंगी। Whose ordinate is 3/2 and lies on y-axis. मनमोहित, बताओ बच्चे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सर 3/2 सॉरी 0, 3/2। यस बच्चे, वाई एक्सिस है ना, तो एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स पहले नंबर पे आता है, तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई। ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू पीछे, मतलब कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई की फॉर्म में होते हैं ना बच्चे, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा। ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू दी हुई है, वो यहाँ पे लिख दी, तो आंसर आ गया हमारे पास। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, मैं सारे पॉइंट्स ही लिख देता हूँ। -3,5, दूसरा 4,-1, तीसरा 2,0, 2,2, -3, -6। उन्होंने क्या पूछा है बच्चे? इन विच क्वाड्रेंट, और ऑन विच एक्सिस दीज पॉइंट्स लाई। जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं वो किस किस क्वाड्रेंट में या एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस पे लाई करते हैं? पहला पॉइंट दिवांशु कहाँ लाई कर रहा है? दिवांशु -3,5 कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पे लाई कर रहा है? या तो क्वाड्रेंट में लाई करेगा या एक्सिस पे लाई करेगा। ये पहले तो ये सोचिए, क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि एक्सिस पे लाई करेगा? सर क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? उसका नाम साइन देखना बेटा, सिर्फ साइन। एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। यही था ना? यस और नो? यस सर। ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है ना। अभी कैथरीन 4-1 बच्चे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। 4-1 इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। हरगुन 2-0 बच्चे, हरगुन शांडा खाना है तूने? चलो इसमें यहाँ पे बता मुझे, एक्स का साइन क्या है? सर 2। साइन सर प्लस, और यहाँ पे सर यहाँ पे भी प्लस है। अच्छा 0 का साइन होता है प्लस? नहीं नहीं सर 0 का साइन नहीं होता। 0 का साइन ही नहीं होता ना, तूने प्लस बना दिया, न्यू इन्वेंशन की है। नहीं सर। यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है? एक मिनट हरगुन, यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है? तो वाई 0। वाई की वैल्यू 0 हो तो वो क्वाड्रेंट में लाई करता है किसी में? नहीं सर। हाँ वाई की वैल्यू 0 है तो कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा वो? जब वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई की वैल्यू 0 है तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा? नहीं सर, सर एक्स पे, एक्स एक्सिस पे बच्चे। तो कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अंडरस्टूड? समझे? यस सर। हाँ जी 2-2 बच्चे। इप्शु सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। जोया -3, -6 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर -3, -6। हाँ जी बेटा। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट पे। यस दिस लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। गुड मॉर्निंग दिशा। गुड मॉर्निंग सर। सुबह सुबह उठा दिया सर ने, तंग कर दिया है ना, है ना दिशा? नो सर। कितने बजे उठ जाती है हर रोज? दिशा अभी उठी है? चलो कोई बात नहीं। एग्जाम कब खत्म है दिशा तुम्हारे? दिशा आई एम टॉकिंग टू यू विथ now the third sum। इन्होंने क्वेश्चन क्या लिख दिया? Which of the following point lie on, पहला पार्ट पूछ लिया x एक्सिस, कौन कौन से पॉइंट x एक्सिस पे लाई करते हैं। सेकंड पूछ लिया कौन कौन से y एक्सिस पे लाई करते हैं। हमें पॉइंट्स दे दिए, मैं सारे के सारे पॉइंट्स लिख देता हूं बच्चे। a 0,2, b 5,6, C 23,0, D 0,23, E 0,-4, F -6,0, G √30। पहला पार्ट x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं? धैर्या। Yes, sir। कौन कौन से पॉइंट बच्चे x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं? ये पॉइंट्स मैंने सारे लिख दिए तुम्हारे सामने। Yes, sir। So, 0 है? Sorry sir, question नहीं समझा। These are the points A, B, C, D, E, F, G। Coordinates are given। मैंने कोऑर्डिनेट्स भी साथ में लिख दिए, ना? Yes, sir। तो इन 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में से विच पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस में कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं इनमें से? बच्चे आवाज नहीं आ रही। सो 4 विच वन? बी। बी पॉइंट पे तो एक्स एक्सिस पे, पहले तो ये बताया एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? On x axis y is 0 ना? Yes sir। हाँ ना, तो y जिस पॉइंट का y 0 है बच्चे वो पॉइंट्स लाई करते हैं x एक्सिस पे। a का कोऑर्डिनेट y 0 है? नहीं सर। इसमें भी नहीं है, इसमें है। Yes, तो पहला पॉइंट क्या आ गया? c आ गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये f। f पे y की वैल्यू 0 है ना, और g पे। Yes, ये 3 पॉइंट c f एंड g लाई ऑन x एक्सिस। धैर्य आप गलत बताया ना, हिसाब लगा लेना अपना। y एक्सिस पे इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं? y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। यस सर। a x की वैल्यू, हाँ a पे x की वैल्यू 0 है, देखो 0,2 है ना। b एंड e, b b पे कहाँ पे 0 है सर? d d d फॉर धैर्य डॉग। e और तो कोई नहीं है ना? नो सर। बस दीज आर द आंसर्स। दिशा समझ आ गया बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी इफ्शा। सर जी तो आ ही नहीं सकता सर, √3 कहाँ से आ जाएगा सर? क्यों सर? क्यों नहीं हो सकता सर? √3 रूट वाले नंबर्स तो सर हम लेते ही नहीं है सर उनमें। किसने बोला है? किसने बताया तेरे को कि रूट वाले नहीं ले सकते? तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती √3 को। फर्स्ट चैप्टर याद कर, कंस्ट्रक्शन सम्स। याद आया? सिंपल नंबर लाइन पे करते ना सर। हाँ फिर ये नंबर लाइन ही है एक टाइप से। ओके सर। बच्चे एक याद रखना, ग्राफ पे चाहे वो रैशनल है चाहे इरैशनल है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव देखो वैल्यू कुछ भी हो सकती है कोऑर्डिनेट की, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट में, अपॉन में, डेसिमल में, एनीवन, ओके। हमने तो सिर्फ यहाँ पे देखो क्या लिखा उन्होंने, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब वाई की वैल्यू जीरो, किस किस पॉइंट में वाई की वैल्यू जीरो है वो पॉइंट्स लिख दिए। ये रहा सी था, एफ था और जी था, ये तीन पॉइंट थे जो मैंने सर्कल कर दिए। अब एक्स की वैल्यू जीरो कौन कौन से पॉइंट पे है, ए पे है, डी पे है, ई पे है, इनमें नहीं है। तो तीन पॉइंट लाई कहाँ पे लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस। समझ आया बच्चे, लग गया पता? यस सर। दिशा, दिशा, यस सर। दिशा तुमने बच्चे वो चैप्टर किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेलिना में से? नो सर, नहीं किया। चलो इतना टाइम थोड़ा सा दिशा टाइम पे बच्चे ज्वाइन किया करो, जो बेसिक्स है ना वो चैप्टर के स्टार्टिंग में होते हैं, फिर से पता बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है? You are a good girl ना, गुड गर्ल हो ना? यस सर। बस फिर जब भी क्लास ज्वाइन करनी है या तो ज्वाइन ही ना करो, बाद में पूरा लेक्चर देख लो वीडियो में। ज्वाइन करना है तो टाइम पे, ओके? ओके सर। थोड़ा मुश्किल तो है कि मॉर्निंग में उठना, बट समझ आ जाएगा फिर सारा कुछ। नो सर मैं रोज उठ तो जाती हूँ लेकिन आज नींद ही नहीं खुली। नींद नहीं खुली तो ज्वाइन तो तूने फर्स्ट टाइम किया है मॉर्निंग में। सर स्कूल था ना रोज तो। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सर एग्जाम्स के बाद ना यही वाली क्लास शिफ्ट करके सुबह 10 बजे लगा लेता। लुधियाना आके ना करवा दिया करूं तेरे को मैं, हैं सर? आ जाए हर रोज सुबह मैं बस पकड़ लिया करूंगा, आ जाया करूंगा, उसके बाद तेरे को पढ़ा के चला जाया करूंगा, ठीक है? सर कोई बात नहीं, आ जाना। हाँ 50,000 सैलरी लूंगा मैं, फीस लूंगा पर मंथ ही, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ जी, यहाँ पे बच्चे उन्होंने क्या लिखा है, सिंपली क्वेश्चन लिखा है। ये पॉइंट्स दिए थे मैंने, सारे लिख दिए यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है बच्चे, मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं था, कल मैं भूल गया लेके आना मार्केट से, तो मैं तुम्हें ग्राफ पे मार्क करके दिखाता। ग्राफ पेपर पे 1-1 सेंटीमीटर में बच्चे डार्क लाइन्स होती हैं, बहुत सिंपल है, इट इज सो इजी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस साइड बच्चे नेगेटिव, इतना तो पता है ना बच्चे? दिशा यस सर। टेंशन में रहती है, क्या टेंशन है तेरे को? नो फ्री माइंड, फ्री माइंड होके मतलब स्टडी किया कर बच्चे, टेंशन निकाल दिया कर, कोई कुछ नहीं कह सकता तेरे को, ठीक है? yes. अब 3-4 देखो, 3-4 ग्राफ पेपर पे लाइंस होंगी, यहाँ मैं लाइंस खुद ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा पॉइंट 3-4, नेम इट एज ए, ऐसे लिख देना है। सेकेंड -3 1 -3, पहले एक्स पे देखा करो, एक्स की वैल्यू कितनी है, -3, -3 कहाँ पे है, ये रहा। एंड 1 ऊपर आ जाएगा कि नीचे जाएगा धैर्या? सॉरी सर क्वेश्चन, बी पॉइंट इज -3 1, -3। हाँ जी बेटा, होगा -3 और y एक्सिस पे होगा, ऊपर, मैं ये पूछ रहा हूँ नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, मार्क करना है ना। ऊपर जाएंगे क्योंकि -1 थोड़ी है। तो मुझे भी पता है, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना। दिस इज बी, साथ में क्या लिख दो, ये कोऑर्डिनेट्स लिख दो। कोई पूछ रहा था बच्चे कुछ, किसी को कोई डाउट हो? नो सर। 1 - 2, पहले x पे देखो 1 है ना, तो x1 यहाँ पे है और -2 किस साइड जाएगा, नीचे। ये पॉइंट आएगा बच्चे। ग्राफ पे मैं पहले बोल रहा हूँ कि लाइंस होंगी तो ऐसे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी, वहां पे वहां सीधा पॉइंट ही मार्क करना है। 1 - 2, यहाँ पे C पॉइंट लिख देंगे ऐसे। फिर आ गया 0.5। अन्वेषा 0.5 कहाँ लाई करे? सॉरी, पहले -2, -3, ये तो मैं ही मार्क कर देता हूँ D पॉइंट। तो -2, -3। यस अन्वेषा, 0.5 कहाँ लाई करेगा बच्चे? सर वाई क्वाड्रेंट पे। वाई क्वाड्रेंट पे, सॉरी सर, वाई एक्सिस पे। यस सर। 0.y, देखो x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे ओरिजिन पे। तो 5 ऊपर की तरफ, ये पॉइंट आ जाएगा बच्चे E। ये पॉइंट जो मैंने अभी सर्कल किया है, कौन सी एक्सिस पे? y, क्योंकि तो x की वैल्यू 0 है। ऑन x एक्सिस पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन, जब y x की वैल्यू 0 है तो एट दैट टाइम लाई ऑन y एक्सिस। E के कोऑर्डिनेट्स 0.y। 50 दिशा, बता सकते हो बच्चे कहाँ पे लाई करेगा? सर एक्स एक्सिस पे। वेरी गुड। 5.0। मैंने बच्चे तेरे से ये पूछा था, तेरी एग्जाम कब खत्म है दिशा? सर होगा 25 को खत्म। 25 को खत्म हो गई। तो इवनिंग में तेरी कोई क्लास होती है 7 o'clock? नो सर, 7 o'clock में नहीं होती है सर, 2 o'clock से होती है। वो तो कोई बात नहीं, वो तो कल एक्स्ट्रा क्लास ही थी बच्चे, आज भी होगी वो तो। आज तो नहीं है क्लास कोई ट्यूशन, आज तो फ्री है। यस सर, आज तो संडे है। ओके, तो बच्चे मैं वही 3rd चैप्टर कंप्लीट, मतलब 3 एक्सरसाइजेज आनी है 3rd चैप्टर की किसी बच्चे को, ठीक है? वो कंप्लीट करवाऊंगा उसमें से, सालिना में से, एक्स्ट्रा क्लास में। और इवनिंग कल मेरे को थोड़ा सा काम पड़ गया, जाना पड़ गया, इसलिए नहीं लगी। कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा। 0 - 3, 0 - 3, ये पॉइंट आएगा बच्चे, दैट इज G। H - 3, 0, -3, 0, ये पॉइंट आएगा। दिस इज H, x एक्सिस पे। y की वैल्यू 0 है ना, तो कहाँ पे लाई करेगा? x एक्सिस पे। दिस इज H पॉइंट। अंडरस्टूड? ये था हमारा 4th सम। नाउ द 5th सम। हमें फिगर गिवन है, और अब मैं इसको कैसे, तुम्हारे पास, तुमने PDF किसी ने नहीं खोली होगी है ना? सर मैंने खोली है। खोली है? यस सर। मैंने भी। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ बच्चे, क्योंकि एक्चुअल में डिवाइस जिनके पास एक है उनको मुश्किल हो गया होगा। एक फिगर हमें गिवन है, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो फिगर यहाँ पे 5th क्वेश्चन में हमें दी हुई है। हाँ जी बेटा। समझ नहीं आया कैथरीन, आवाज कट रही है बेटा। नहीं सुनाई दिया, इवनिंग सुनाई दिया अकेला। यहाँ पे मार्क था, मैं सारी की सारी फिगर बच्चे ड्रॉ कर रहा हूँ जो फिगर इन्होंने दी हुई है। ओके तुम्हें थोड़ा इजी हो जाए आंसर देना मुझे। ए मार्क है, यहाँ डी मार्क है, यहाँ जी मार्क है, यहाँ सी मार्क है, इस पॉइंट पे बी मार्क है बच्चे, यहाँ ई मार्क है, यहाँ पे एच मार्क है, यहाँ पे एफ पॉइंट मार्क है, इस पॉइंट पे एच मार्क है, इस पॉइंट पे बी मार्क है। और कोई पॉइंट तो नहीं मार्क नहीं है। चलो फिगर दिख रही है। उन्होंने क्या पूछा है बच्चे, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किस किस के, ए बी सी डी, शोन इन दैट जॉइनिंग फिगर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, बी के भी बताने हैं, सी के भी बताने हैं, डी के भी बताने हैं बच्चे, ई के भी बताने हैं, एफ एंड एफ जी एच के भी बताने हैं, एफ के भी, जी के भी एंड एच के भी। अभी चलो सुखजिंदर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, हाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर 2 and 2, 2, 2। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है, तो 2, 2। धैर्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। पहले तो बी पॉइंट ढूंढो कहाँ पे है फिगर में, अपने आप फिगर मैंने बना दी है, सारा कुछ मार्क कर दिया है। हाँ मम्मा ने खाना नहीं दिया कल? नहीं सर, वो माइक नीचे हो गया था। -3 and 0। देखो बी पॉइंट ये रहा, कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। -3, 0। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। अंकित, सी के कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट पहले तो ढूंढो कहाँ पे है। मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ मुझे आंसर चाहिए। सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। -2, -4। सी पॉइंट ये रहा, सी पे एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू -4 है, तो -2, -4। डी, एक मिनट अन्वेषा। सर 3 और -1। डी ये रहा है ना, डी पे एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है कहाँ पे, 3 पे, तो एक्स की वैल्यू 3 होगी, वाई की वैल्यू -1। कैथरीन, ई पॉइंट बच्चे, यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। बताओ मुझे। सर -4, 4। वेरी गुड। दिवांशु, एफके। तो 0, -2। 0, -2। वेरी गुड, क्योंकि ये पॉइंट है देखो एफ, और कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0, एक्स की, तो एक्स पहली पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे 0 आ गया, और कहाँ पे है -2, तो -2। दिशा, जी कोड के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। सर 2 और -3। 2, -3। एच, हरगुन। सर 0, -0 and 3। पहले तो एच पॉइंट ढूंढो कहाँ पे, ये रहा, कितना आएगा 0, 3 आएगा ना। These are the coordinates. ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे। फिगर दी हुई है, सिर्फ हमने ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। यहाँ साइड पे मत लिखना है, तुम नीचे लिख देना। मैंने साइड पे क्यों लिखा है कि मुझे फिगर तुम्हें दिखती रहे, क्योंकि सबके पास बुक नहीं है, दैट्स द रीजन। नाउ 6 सम। आज तो फ्री हो ना सारे, Yes, sir. क्या सर कल दो दो पेपर फिर भी ज्वाइन कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं बच्चे, धैर्य कुछ ज्यादा ही वो हो गया है ना मेरी बातों का असर। सॉरी सर, मैंने ये बोला मैं मेरी बातों का असर ज्यादा हो गया लगता है धैर्य पे। नो सर नहीं हुआ सर, असर नहीं हुआ, डर हुआ है। नहीं डराता तो मैं हूं नहीं, किसको डरा दिया मैंने सर तो बोल रही है। In which quadrants point A, B, C, D of problem 5 located? अब 5 problem मतलब ये पॉइंट्स आए हैं, उन्होंने पूछा है क्वाड्रेंट पूछा है, कौन कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। A, B, C, D पूछा है सिर्फ, ये 4 पॉइंट्स। यस बच्चे, फर्स्ट ए के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी के भी लिख देता हूँ बच्चे, जो ऊपर आए थे इसके सामने क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इप्सिता 2-2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। मनमोहित -30 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सर -30 हाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तूने चांटे खाने हैं, मम्मा है पास में? मैं बताऊं एक मिनट, मम्मा है पास में मनमोहित? नहीं सर वो तो सोए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ना जब उठ जाएंगे तो मम्मा के पास जाना, क्या मम्मा मेरे एक जोर से मारो चांटा, सर ने बोला है कि मम्मा से चांटा खाना है। सर रोज ही लगते हैं अभी जोर से लगेगा ना, मेरे वाला लगेगा वो। हाँ यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है मनमोहित? सर 0। तो ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा किसी में? नो सर, ये दिस लाई ऑन y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा ना, मतलब हमने x एक्सिस नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कौन से क्वाड्रेंट में। यहाँ लिखेंगे डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, डजंट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, समझे? कोई भी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे या तो क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, या किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। जब x की वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, जब y की वैल्यू 0 है तब x एक्सिस पे लाई करेगा, तो वो क्वाड्रेंट में कभी नहीं लाई करेगा। जैसे यहाँ पे -3,0 आ गया ना, वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा बच्चे। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। जोया -2, -4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? जोया जी सर नींद आ गई होगी उसको। -2, -4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बच्चे? -2, -4 हाँ -2, -4 सर एक मिनट, -2, -4 सर थर्ड वाले में थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज किया कर बस, तो आंसर सही दे देती है। फिर जब यूज नहीं करती ना तब नहीं देती। सुखजिंदर 3-1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ में। सिर्फ साइन बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों देखो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार, एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव। सिर्फ साइन देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में। प्लस माइनस लास्ट वाला पॉइंट है, प्लस माइनस डी तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अंडरस्टूड? किसी को बच्चे ये सब ना समझ आया हो I think all of you know. Yes, sir. Yes, sir. जो 7th and 8th पॉइंट है बच्चे वो मार्क करने वाले हैं सेम ग्राफ पेपर पे। ए 7 सम में ए 2,5/2 गिवन है। सारी मतलब ग्राफ पे ड्रॉ करने वाले सम्स हैं, ये तुम अपने आप कर सकते हो, वैसे तो कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको बच्चे मैं ए को इसको डेसिमल में चेंज कर लो, 5/2 को 2.5 लिख दो। इसको मार्क करना है ग्राफ पेपर पे, मान लो यहीं पे इसी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, तो 2,2.5 कहाँ आएगा, 2,2.5 आएगा यहाँ पे, और इसके मिड में 2 and 3 के यहाँ पे आएगा ना। Yes or no? Yes sir. मतलब सारे पॉइंट्स मार्क कर लोगे 7 सम। सिंपल है, डेसिमल में चेंज कर लेना, उसके बाद मार्क कर लेना। 8 सम सिंपल, मार्क करना है बच्चे ग्राफ पेपर पे। प्लॉट एंड चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। दिशा, डू यू नो कोलिनियर पॉइंट्स? नो सर। कोलिनियर नाम देखो, कोलिनियर, को लाइन ईयर, को का मतलब होता है सेम लाइन। सेम लाइन पे कितने पॉइंट? 3 और मोर। 3 कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट्स तो ऑलवेज लाई करते हैं, देखो 2 पॉइंट वो तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ आ गया तो लाई नहीं कर रहा ना, इसी के आगे लाइन में आएगा, तो पॉइंट्स को लीनियर है। समझे? यस सर। 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लिखना है स्ट्रेट लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो। स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? समझ गए? यस सर। यस सर। अब जो नेक्स्ट 9th सम है बच्चे, उसमें यही है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। A 1 3, दूसरा ए नहीं दिया हुआ, मतलब ए मैंने ले लिया। बी -1 -1 ले लिया मैंने। सी दिया था -2 -3, उसको सी ले लिया, -2 -3। ग्राफ पेपर पे बच्चे ये तीनों पॉइंट मार्क करने हैं। 1 3 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा -1 -1 यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा -2 -3 यहाँ पे आ जाएगा। तीनों स्केल रख के चेक करो कि वो एक लाइन में है कि नहीं है, यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन करो। वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ना तीनों? यस सर। तो पॉइंट्स, यस, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब ग्राफ पे ड्रॉ करना है उसके बाद करना है। समझे? 3 पार्ट हैं, तो वो अपने आप करोगे तुम। एक पार्ट बच्चे मैंने थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा दिया 9th सम का। इसका 10th सम बच्चे, एक सेकेंड मुझे रीड करने दो, देखता हूं मैं कौन सम है मेरे करवाने वाला। पीडीएफ बच्चे मैंने भेज दी है, सारे सम तुम अपने आप करोगे ट्राई। आगे कुछ नहीं है, सिंपली मार्क करनी है और जो भी उन्होंने बोला है फाइंड करने के लिए वो फाइंड कर देना है। समझे? 17 सम्स हैं, यू हैव टू डू इट। ग्राफ पे प्लॉट करने वाले सम्स हैं सारे। ओके okay? कर लोगे? सर। हाँ जी बच्चे। सर मुझे उस पे दिक्कत होती है सर, जो x+3y = 4 को सोल्व करके सर फिर इसके पॉइंट निकाल के प्लॉट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चे, 19.2 एक्सरसाइज है ना, और 19.3 एक्सरसाइज है, वो उस पे बेस्ड है। ये तो सिंपल एक्सरसाइज थी फर्स्ट वाली। यू कैन डू इट ना, ट्राई करोगे? यस सर। चलो एनफ है आज के लिए? यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। यस सर। ओके, एक चीज और बच्चे, किसी ने मतलब एसचन में से मैं लाइव लेक्चर लगाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? समझे मेरी बात? यस सर। एसचन में से मैं उसमें से करवाता हूँ, तो जिसने भी बच्चे अगर करना हो एसचन में से भी, जैसे कल अंकित और सुखजिंदर ने ज्वाइन किया था, तुम भी बच्चे कर सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। ओके सर, एसचन डिफरेंट है। एसचन यस सर डिफरेंट है। हाँ जी बेटा, थोड़ी बहुत डिफरेंट है। कोई चैप्टर उसमें बहुत ज्यादा टफ है, कोई चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। सर मतलब उसमें कॉन्सेप्ट सेम नहीं है? कंसेप्ट तो सेम ही होते हैं। नहीं सर, जैसे इस वाली बुक पे हमने अभी किया था, जो पीछे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर किया था, उसमें कई कई चीजें थी जो मतलब हमने इतनी डिटेल में सलीना में नहीं थी, तो सर वैसे की है। क्यों नहीं है सलीना में बच्चे? सलीना में भी है सर, जैसे रेंज वाले हमें क्वेश्चंस भी थे, बट रेंज का कॉन्सेप्ट था तो इसीलिए पता भी नहीं था। तो इसमें भी तो एक ही समय है, रेंज वाला, फाइंड द रेंज। सर मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मतलब हमने बहुत डिटेल में ना किया हो और उनमें है। अरे तो जो ये बता, कल क्या खाया था तूने? सर खाना, खाना नहीं, आइसक्रीम, ठंडा पानी? नहीं सर। फिर जुकाम कैसे लगा, गला क्यों खराब हुआ है? वो है सर ठंडा पानी। हाँ ठंडा पानी, शर्म कर ले, पेपर एग्जाम चल रहे हैं और तुझे ठंडा पानी चाहिए। बच्चे अपने आप को थोड़ा ध्यान रखा करो, एग्जाम टाइम्स पे तो ना कुछ करो, बाहर से कुछ मत खाया करो, ठीक है? सर कुछ नहीं खाया सर, ठंडा पानी पिया था। हाँ तली चीज खा के ठंडा पानी पिया होगा। ऑल ऑफ यू बच्चे थोड़ा ध्यान रखो अपनी सेहत का, ठीक है? बाहर से कुछ भी मत खाओ, घर में ही खाओ, सारा कुछ घर में बना लो जो खाना है। बाहर गंदी मिलता है, कुछ नहीं सही मिलता। सर डिफरेंट बुक? हाँ हाँ डिफरेंट है, उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं। फोर्थ चैप्टर करवा रहा हूँ बच्चे, उसमें से मैं कितने उसकी फोर्थ चैप्टर की। यस सर। उसकी GHN मतलब वो सिर्फ मैं बच्चे एसचन में से वही कवर कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे नहीं है लेक्चर उसके एसचन के, समझे? okay. तभी मैंने 4E करवाई थी, F and G आई थिंक 4D करवाई थी कि E करवाई थी कल? सर E करवाई थी। E F and G आई थिंक आर मिसिंग, अभी वो भी नहीं मतलब बनी हुई, वो बनाऊंगा मैं तो एक्सरसाइजेस का। वो मैं सिर्फ एक्सरसाइज की फोटो खींच के भेज दूंगा बच्चे ग्रुप में, ठीक है? और 10 o'clock मैं लाइव क्लास लगाऊंगा, मतलब जब भी लगाई मैं लिंक भेज दूंगा बच्चे ग्रुप में। ओके किसी ने अटेंड करनी हुई कर सकते हैं, नो कंपल्शन इज देयर, समझे? चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।